हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, ये देखिए मेरे बेबी की सबसे फर्स्ट मेहंदी, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो गाइस, आज हमारे यहाँ है पूजा, और ये पूजा तो सभी के यहाँ होती है, खासकर यूपी में, कानपुर में ज़्यादा ये पूजा होती है। ये है बरगदाई की, यानी नवरात्रि के बाद ये फर्स्ट पूजा होती है जो हस्बैंड की होती है, मतलब पति की पूजा होती है। तो पति के लिए ये, जब तक पूजा ना हो जाए तब तक व्रत रहता है बिना पानी वाला। तो ये देखिए मेरे यहाँ मम्मी ने इसके लिए, और जो बनते हैं मतलब आटे वाले जो मीठे बनते हैं, गोल गोल वाले, गोल गोल लड्डू टाइप के, वो बना लिए हैं। तो मैं ये बस पूड़ियाँ सेंक रही हूँ और मेरी ये तैयार हो गया है पूजा के लिए। ये दो ही चीज़ चढ़ती है इसमें, और ये है तीसरा चना, जो रात को भिगोए हुए काले चने होते हैं वो चढ़ते हैं। और जो बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद के पेड़ की फली होती है, वही हमें मतलब पूजा के लास्ट में उसको छील करके अच्छे से और पानी से धुल करके यही चनों के साथ हमें अंदर पूरा गुटकना होता है, यानी कि पूरा हम उसे चबाते नहीं हैं चनों को, एक साथ पानी के साथ गुटक जाते हैं, मतलब पी जाते हैं। तो ये देखिए, और ये सुहाग में चढ़ाने के लिए, यानी जो बरगद में हमारे यहाँ सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, नेल पेंट, और ये फ्रूट है, एक फ्रूट चढ़ा दिया जाएगा, दूसरा अपने कोंच में डाल लिया जाएगा। तो ये सारा सामान है, कॉम्ब है और शीशा है, सारी मिरर, मतलब सारी चीज़ें हैं जो कि, मतलब जितना भी आइटम आप रख सको, आपकी अपनी मर्जी है, सुहाग में तो गिनती नहीं हो सकती, पता नहीं कितना सामान होता है। तो बस सारा सामान ले लिया है, अरेंज कर लिया, और ये मैं पहनूंगी आज, वेयर करूंगी साड़ी, जो कि पूजा में मुझे रेड वैसे तो बहुत पसंद है, मुझे रेड कलर पहन, मैं सारे कलर लेती हूँ, तो लेकिन मैंने सोचा आज फर्स्ट पूजा है और साल की स्टार्टिंग हुई है, तो बस मैं रेड कलर की साड़ी डालूंगी। तो ये देखिए इसका ब्लाउज़ है, मुझे ये ब्लाउज़ बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये देखिए मैं हो रही हूँ फटाफट से रेडी, तो गाइस लाइट बहुत आ जा रही है, तो इसलिए फटाफट से रेडी हो रही हूँ। आप लोगों को पूरा फुल मेकअप तो नहीं दिखाऊँगी मैं, क्योंकि फुल मेकअप दिखाने का टाइम नहीं है, पूजा के लिए फटाफट से तैयार होना है। और अगर आप लोगों को लगे ये मेकअप अच्छा लगे, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस टाइम अच्छे से लाइट नहीं आ रही है, आप देख सकते हो, मतलब अच्छे से मेकअप दिखाई नहीं दे रहा। वैसे मेकअप इतना खूबसूरत हुआ था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा मेकअप आया था। तो इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या लगाया है, वो मैं आप लोगों के साथ किसी दिन मेकअप का शेयर करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो गाइस मैं फटाफट से रेडी हो रही थी बहुत जल्दी जल्दी, मैंने लास्ट में ये देखिए हाइलाइटर रह गया, तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से ब्रश नहीं यूज़ किया। वैसे मैं बहुत कम ही ब्रश यूज़ करती हूँ हाइलाइटर लगाने के लिए, मैं अपने टिप की हेल्प से लगाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और गाइस ये देखिए हस्बैंड का व्रत है, तो मैंने मेहंदी भी लगाया हुआ है, मेहंदी तो बनती है ना, तो इसलिए मैंने मेहंदी भी लगाया हुआ है गाइस। और ये देखिए मैं हो गई हूँ फुल रेडी, सिर्फ अपने मेरे बाल जो है ना, हेयर, वो हल्के हल्के से अभी गीले हैं, तो मैंने कॉम्ब नहीं मारा है, और अभी मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी हैं, बस चूड़ियाँ रह गई हैं और कॉम्ब हल्का सा मारना रह गया है। तो देखती हूँ अगर टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा बाबू भी जाग गया है अभी इसी समय, तो इसलिए देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं कॉम करूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी पूजा में, फटाफट जाके बस चूड़ियाँ और डाल लूँगी। तो गाइज़ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, और मेरा वेयर, मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा आप लोग। मेरी साड़ी आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैंने कुछ हैवी नहीं डाला है ज़्यादा जल्दी जल्दी में, मैंने बस हल्का सा पतला सा एक हार डाल लिया है, बहुत छोटा सा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं वेयर किया है। तो ये देखिए मेरी फटाफट से पूजा होने लगी है, और पूजा मैंने की है छत पे, पापा से बोला था बट गमला ऊपर ही रख दिया है, और हम बाहर पूजा नहीं करने गए हैं। आप लोगों को पता है इस समय इतना ज़्यादा वायरस है, इस वजह से मैं बाहर पूजा नहीं करने गई हूँ। मैंने पापा से बरगद का यही छोटी सी डाल मंगवा ली है और उसे गमले में गाड़ दी है, बस उसी में ही हमारे यहाँ पूजा हो गई है। तो हमारे यहाँ ऐसे बरगद की पूजा होती है, और आप लोगों के यहाँ कैसी होती है आप लोग ज़रूर हमारे साथ शेयर करना कि कैसी है, अगर जिसके जिसके यहाँ होती है तो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, पक्का शेयर करना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है,
हम ऊपर जाते हैं और बरगद में बरगद को मतलब बरगद के पेड़ को नहलाते हैं पानी से, जल जल डालते हैं। जल डालने के बाद में एक आटे का पीला आईपन होता है, आटे में हल्की सी हल्दी मिक्स करके उसे पानी से घोल लेते हैं और अच्छे से लगा लेते हैं उसमें, 7 जगह लगा लेते हैं। फिर उसके बाद सिंदूर लगा लेते हैं, फिर पूरा अपना जो सुहाग का सामान होता है वो सारा सुहाग का सामान उन पे जो मतलब उनको टच कर करके मतलब उनको छू छू के रखते जाते हैं, उन पे चढ़ा देते हैं और आरती पूजा सारा कुछ, और ये जो लड्डू बने हैं आटे के वो डाल देते हैं और मतलब वो चढ़ा देते हैं, पूड़ियाँ चढ़ा देते हैं, सारा कुछ जितना भी सामान होता है सारा चढ़ा देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, दो दो माले बनाते हैं, एक खुद पहनते हैं, ये धागे का होता है, येलो धागे का माला बनाते हैं, कच्चे धागे का माला बनता है, यानी कि मतलब जैसे माला सब लोग बनाते हैं धागे का डालते हैं वैसे ही धागे का माला बनता है, बस वो चढ़ा देते हैं, एक छोटा सा बनाते चढ़ा देते हैं और दूसरा खुद पहन अभी नहीं पहन लेते हैं, पूजा के लास्ट में एंड में पहन लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चढ़ाया है छोटा वाला और बड़ा वाला अभी रखा है, पूजा का जब एंड हो जाएगा तो मैं उसको पहन लूँगी उसको। और वैसे तो काफ़ी लोग मिलकर के ये पूजा करते हैं, बट अभी तो आप देख रहे हो क्या माहौल चल रहा है, इसकी वजह से मैं बाहर जाना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, किस लिए फालतू में भीड़ में जाना और फिर उसके बाद में बीमारी घर को लेके आना। तो मैंने अपने घर पर ही आराम से इत्मीनान से पूजा कर ली, बस धूप थी इस वजह से थोड़ी पूजा जल्दी जल्दी हुई है। और गाइस मेरा फ़ोन धूप में ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए बंद हो गया, तो मैं फुल नहीं दिखा पाई आप लोग को, आई एम सॉरी। तो जितना भी दिखा पाई उतना कैसा लगा मेरी पूजा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।